14 जून 1935 को जन्मे सरताज नारायण माथुर को रंगमंच की दुनिया से जुड़े लोग ही नहीं, सृजन से जुड़े लोग भी बखूबी जानते हैं। कभी रंगमंच पर अभिनय करते तो कभी पर्दे के पीछे से नाटक का निर्देशन करते नजर आने वाले सरताज माथुर नाटक से तब जुड़े जब वे कक्षा 9 के छात्र थे। सन 48 की बात है, जब मैं पढ़ा करता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल अजमेर में था, तो वहाँ हमारे यहाँ एक डिसीजन हुआ कि एक नाटक किया जाए। तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे मिस्टर डीपी जोशी, उन्होंने एक प्ले सेलेक्ट किया, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक था रक्षाबंधन। तो उस जब उसकी कास्टिंग होने लगी तो लेडी पात्र की ज़रूरत पड़ी, कोई एजुकेशन तो थी नहीं, तो हम क्योंकि देखने सुनने में शायद ज़्यादा अच्छे थे तो हमको उसमें महिला पात्र दे दिया गया। 1948 में छात्र जीवन से नाटक की शुरुआत करने वाले सरताज नारायण माथुर, उनके खाते में सैकड़ों नाटकों में अभिनय निर्देशन का अनुभव भी दर्ज है। तो नाटकों की मंच व्यवस्था, वेशभूषा, आयोजन, प्रकाश व्यवस्था, सेट डिजाइनिंग के अनगिनत अनुभव भी शामिल है। जाहिर है इस शख्सियत से राजस्थान में रंगमंच की संभावनाएं भी छिपी नहीं। रविंद्र मंच, प्रोग्रेसिव फोरम, साहित्य अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसी कई संस्थाओं से लगातार जुड़े रहे माथुर की निगाह में रंगमंच की अहमियत ज्यादा है, फिल्मों या टीवी सीरियलों की अहमियत कम। मैंने क्योंकि शुरुआत रंगमंच से की थी इसलिए मुझे ज्यादा लगाव रंगमंच से ही रहा। ऐसा नहीं कभी कभार मैंने सीरियल भी किए, फिल्म भी करी और टेलीविजन पे नाटक भी किया, लेकिन वो जो टुकड़ों टुकड़ों में करके जो बात होती थी वो मज़ा नहीं आता था, वो थ्रिल नहीं होती थी जो कि नाटक में होती थी। और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स और जो नाटक में जो जीवंत अनुभव होता है वो फिल्मों में नहीं हो पाता। और आपने जो भी कुछ किया उसी वक्त आपको दर्शक है तो नकार लेता है या उसी वक्त स्वीकारता है। एक थी रीटा और जमीन जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का परिचय दे चुके सरताज नारायण माथुर ने प्रेमचंद के चर्चित उपन्यास गोदान का मंचन भी किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द रेक के हिंदी रूपांतरण, नौका डूबी और शंकर शेष के नाटक आधी रात के बाद के अंग्रेजी नाट्य रूपांतरण आफ्टर मिडनाइट में भी अभिनय किया है। जाहिर है साहित्य का इस शख्सियत पर खासा असर रहा है। प्रेमचंद अपनी जगह है और टैगोर अपनी जगह है। गोदान का जो कथ्य है वो अलग है और मैंने जो उसका टैगोर के जो नाटक किए, नौका डूबी करा या काबली वाला किया, इस तरह के नाटक किए, वो डिफरेंट है। टैगोर की भाषा भी डिफरेंट है थोड़ी सी और प्रेमचंद की भाषा जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों लेखक, ये दोनों इतने बड़े लेखक हैं कि इनके नाटक करने में अपने आप ही एक बड़ा सुखद अनुभव है। फुनगी, हस्ती, कोक के आंसू, बुनियाद, आस्था, जज्बा और अब जैसे नाटकों का लेखन कर चुके माथुर के नाटक एक और सावित्री का साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशन के लिए चयन किया गया था। साहित्य सृजन में सुकून का एहसास करने वाले सरताज नारायण माथुर ने बाल रंगमंच को भी खासा वक्त दिया है।